कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि कल तक हमने क्या देखा था, तो कल हमने देखा था किसान एवं मजदूर आंदोलन, और मैंने आपको बोला था कि अगला वीडियो मैं पत्रकारिता के ऊपर लेकर आऊंगा, उसमें एक चीज और ऐड कर दिया हूं, फिल्म। ये हमारा आज का वीडियो रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें पत्रकारिता के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था, किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, यह पूछा जा रहा है। माधवराव सप्रे द्वारा, पंडित रामराव चिंचोलकर के द्वारा, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों के द्वारा, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। जल्दी आप अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया है? तो माधवराव सप्रे लगाया है, पंडित रामराव चिंचोलकर लगाया है, माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर की सुंदरलाल शर्मा। इसका आंसर है सी। ठीक है, क्या है आंसर इसका? सी, माधवराव सप्रे इसके संपादक थे और पंडित रामराव चिंचोलकर इसके संयुक्त संपादक थे, संयुक्त संपादक थे। क्लियर है? ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है, इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? तो पेंड्रा रोड से हुआ था, और कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। क्लियर है? इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लगातार घाटे में जाने के कारण एवं आर्थिक स्थिति के खराब हो जाने के कारण 1903 में, 3 वर्ष बाद ही क्या हो जाता है, इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार पत्र, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले समय में, ठीक है, पीएससी के अंतर्गत, लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला पहला क्या रहता है आपका, तो प्रजाहितैषी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार पत्र रहता है, लेकिन वो एक राज्य प्रायोजित अखबार पत्र रहता है। ठीक है, जिसका संपादन किसके द्वारा किया जा रहा था? भगवान दीन सिरोठिया जी के द्वारा किया जा रहा था, और कब? 1889 और 90 के टाइम में क्या हुआ था, इसका संपादन हुआ था। किसके संरक्षण में? तो राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास जी के संरक्षण में उसका क्या हुआ था, तो उसका संपादन होता था, वो प्रकाशित होता था। क्लियर है? अगला, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसको कहा जाता है? वामन राव लाखे जी को, माधव राव सप्रे जी को, पंडित रविशंकर शुक्ल को, कि वामन राव को? तो इस यहां पर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जो जनक हैं वो माधवराव सप्रे जी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था? सुंदरलाल शर्मा जी ने, माधवराव सप्रे जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, कि हनुमान सिंह ने? किसने हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था? जल्दी आंसर दें। लगा लिया आंसर? आंसर तो आपको पता है, इसको तो हम पढ़ भी चुके हैं। आंसर क्या होगा आपका? माधवराव सप्रे। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, है ना? क्या देखा था हमने कि 13 अप्रैल 1907 को माधवराव सप्रे जी के द्वारा नागपुर से हिंदी में हिंद केसरी का प्रकाशन क्या हुआ था, शुरू किया गया था। और ये किससे प्रभावित थे? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से प्रभावित थे, और उन्हीं की ही, किनकी? तो बाल गंगाधर तिलक जी की ही मराठा एवं केसरी पत्रिका से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषा में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था।
क्लियर है। इसके अंतर्गत 1908 में क्या किया गया था, इनके द्वारा दो शीर्षक छापे गए थे, एक क्या देश की दुर्दशा और दूसरा क्या बम गोले का रहस्य, ठीक है, जिसके कारण इनको कब, तो 21 अगस्त, कब, तो इनको 21 अगस्त 1908 को क्या किया जाता है, 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार किया जाता है राजद्रोह के आरोप में। फिर वामन राव लाखे की मध्यस्थता के कारण 2 नवंबर 1908 को क्या किया जाता है, इन्हें मुक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया, कब प्रकाशित हुआ था जेल पत्रिका, ठीक, 1907 में, 10 में, 22 में कि 18 में, जेल पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो हमको पता है कि 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के उपरांत पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके उनको कहां रखा जाता है, किस जेल में रखा जाता है, जल्दी बताएं, गिरफ्तार करके इनको किस जेल में रखा जाता है, तो गिरफ्तार करके इनको रायपुर जेल में रखा जाता है। ठीक, कहां रखा जाता है, तो रायपुर जेल में रखा जाता है। ठीक, वहीं पर ही 1922 में उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो 1922 में हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका निकाला गया, ठीक, जिसमें कुल कितने पृष्ठ थे, 18 पृष्ठ थे, और वर्तमान में कौन सा अंक उसका उपस्थित है, तो 5वां अंक उपस्थित है, इतना हमने पढ़ा था। साथ ही इस जेल पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंधियार खोल के जो जमींदार रहते हैं, है ना, भगवती प्रसाद जी, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालते हुए भी दिखाया गया है। क्लियर। अगला, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया था, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया था, 1920 में, 35 में, 25 में, 26 में, कब उत्थान मासिक पत्रिका निकाला जा रहा था रायपुर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जल्दी अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया आंसर, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा उत्थान मासिक पत्रिका 1935 में प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, 1935 में, और इसके संपादक, ठीक है, इसके संपादक किसके संपादक, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा जो क्या निकाला जा रहा था, उत्थान पत्रिका निकाला जा रहा था, उसके संस्थापक सुंदरलाल त्रिपाठी जी थे, ठीक है, कौन थे, तो सुंदर लाल त्रिपाठी जी क्या थे, इसके संपादक थे, ठीक है, कौन थे, तो सुंदरलाल त्रिपाठी जी इस उत्थान पत्रिका के संपादक थे। अगला, निम्न सूचियों को कूट के आधार पर मिलाइए, माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, दूसरे तरफ इनके द्वारा निर्धारित या इनके द्वारा रचित क्या दिया गया है, संपादित क्या दिया गया है, पत्रिकाएं दी गई है, तो जल्दी से आप मिलाएं इसको, जल्दी अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा माधवराव सप्रे जी के द्वारा क्या था, तो छत्तीसगढ़ मित्र हमको पता है, ठीक है, कब निकाला गया था छत्तीसगढ़ मित्र, तो 1900 में, ठीक, इसके अलावा पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के द्वारा क्या, तो पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, कहां पर, तो राजनांदगांव वाले क्षेत्र में ही, और कब, तो 1900 में, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अरुणोदय, है ना, अरुणोदय का संपादन इन्होंने 1921-22 में किया था, साथ ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा 1910 में, कब, 1910 में राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किया गया था, सुंदरलाल शर्मा श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका 1922, ठीक है, कब, तो 1922। अब मिला लीजिए, पहला का क्या दिख रहा है आपको, सी, कहां पर दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, बी इसका आंसर होगा। अगला, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है जनमत, जनमन, जनगण, जनवाणी, ठीक है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम क्या है,
तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम जनमन है, ठीक। और आपको जनमन पढ़ते हुए चलना है, जनमन से लगातार हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। पिछले साल जो आप देखे थे, गिल्ली डंडा की लंबाई कितनी, गिल्ली की लंबाई कितनी है, ठीक है, कौन कौन से खेल हैं, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब कहां से आए हुए थे, जनमन से आए हुए थे। तो जनमन को आप बिल्कुल फॉलो करते हुए चले, ठीक है। अगला, सुमेलित कीजिए समाचार पत्र संपादक सूर्योदय, आलोक, प्रकाश और है वंश। इधर है चार व्यक्तियों के नाम संपादकों के, उदय प्रसाद, यदुनंदन प्रसाद, कन्हैया लाल वर्मा और केशव प्रसाद वर्मा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है, जल्दी सुमेलित करें। लगा लिया आंसर आपने, ठीक। देखें इसमें जो सूर्योदय आपको नजर आ रहा है ये कन्हैया लाल वर्मा जी का है, एक्चुअल ये कन्हैया लाल शर्मा है, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या है ये, कन्हैया लाल शर्मा है, कन्हैया लाल शर्मा, ठीक है, 1915 में। आलोक ये केशव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा, प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है उसको यदुनंदन प्रसाद जी ने निकाला था, और है वंश के नाम से उदय राम जी ने क्या किया था, पत्र निकाला था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहला का क्या दिख रहा है आपको, तीन, दो जगह दिख रहा है तीन, ए और डी में, मतलब बी और सी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। आलोक का क्या है, चार, तो तीन के बाद चार कहां, डी में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। फिर प्रकाश का क्या, तो यदुनंदन प्रसाद, और है वंश का क्या, तो उदयरा प्रसाद, क्लियर है। अगला, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था, ठीक है, किस साहित्यकार के द्वारा किया गया छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन। तो हमको पता है, मैंने अभी बताया था कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा क्या किया गया था, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था, कब, तो 1900 में, कब किया गया था, 1900 में। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी भकला, माया, मोर छैया भुइया और कही देबे संदेश, कौन थी, जल्दी बताएं। लगा लिया आंसर आपने, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी कही देबे संदेश, ठीक है। क्या था, कही देबे संदेश, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के निर्देशक कौन है, कही देबे संदेश के निर्देशक कौन है, मनु नायक, सतीश जैन, रामाधार देवीलाल, कौन है कही देबे संदेश फिल्म के निर्देशक। तो कही देबे संदेश फिल्म के निर्देशक रहते हैं कौन, मनु नायक प्रथम, मनु नायक प्रथम क्या रहते हैं, कही देबे संदेश फिल्म के निर्देशक रहते हैं। द्वार छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता कौन थे, द्वार छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता कौन थे, जल्दी से अपना आंसर दें, ठीक है। क्या बोल रहा है, द्वार फिल्म, तो द्वार फिल्म हमको पता है, द्वार फिल्म नहीं है, ये क्या लिख लें आप सामने में, इसमें घर द्वार लिख लें, ठीक है, क्या लिख लें, घर द्वार, घर द्वार फिल्म के निर्माता कौन थे, तो घर द्वार फिल्म के निर्माता थे आपके कौन, विजय पांडे जी, ठीक है। कौन थे, विजय पांडे जी क्या थे, घर द्वार फिल्म के निर्माता थे। कब आया था ये फिल्म, तो 1969 में, ठीक है। और इसके निर्देशक जल्दी से बताएं, तो आप मुझे कौन थे इसके निर्देशक, जल्दी बताएं कौन थे निर्देशक, निर्देशक कौन थे, बता दिया आपने आंसर, जल्दी बताएं कौन थे निर्देशक, ठीक, बिल्कुल बढ़िया, कौन थे निर्देशक, तो निर्जन तिवारी जी क्या थे इसके निर्देशक थे, निर्जन तिवारी जी क्या थे, तो निर्जन तिवारी जी इसके निर्देशक थे, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन थे, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन थे, ठीक, अनुराग बासु, संजीव बख्शी, मनोज वर्मा और मनु नायक, जल्दी से अपना आंसर दें, लगा लिया आंसर आपने, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है, तो भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो मनोज वर्मा जी थे। संजीव बख्शी जी कौन थे, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नहीं बताऊंगा इसको, संजीव बख्शी जी कौन थे इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और जो भूलन द मेज फिल्म है इसको 67वें फिल्म फेस्टिवल में क्या हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 67वें फिल्म
फेस्टिवल में राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन से पुरस्कार से? तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो घोषणा की गई थी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा क्या की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। और साथ ही हमारे पहले जो इससे पहले जो उपराष्ट्रपति जो थे हमारे, कौन? वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा क्या किया गया था? तो भूलन द मेज को क्या दिया गया था? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। अब भूलन द मेज के हीरो कौन थे, हीरोइन कौन थी, इन सब चीजों को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। अगला, छत्तीसगढ़ी फिल्म हंस झन पगली फंस जबे फिल्म के निर्देशक कौन है? जल्दी बताओ भाई, हंस झन पगली देखे तो सब जन है ना, पसंद आयरिस के नहीं आयरिस बिल्कुल बताओ, कौन कौन ला पसंद आयरिस ये फिल्म? मोला बिल्कुल नहीं पसंद आयरिस, जल्दी बताओ, लगा लिया आंसर? क्या लगाया आंसर आपने? तो छत्तीसगढ़ी फिल्म हंस झन पगली फिल्म के निर्देशक थे कौन? तो सतीश जैन जी। ठीक है, कौन थे? सतीश जैन जी क्या थे? हंस झन पगली फिल्म के क्या थे? निर्देशक थे। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला, फिल्म पीपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है फिल्म पीपली लाइव में? हबीब तनवीर है, अनुज शर्मा, ओमकार दास मानिकपुरी और भुलवा राम। ठीक है, तो फिल्म पीपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन थे? तो ओमकार दास मानिकपुरी जी क्या थे? तो छत्तीसगढ़ी कलाकार थे। अगला, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? काष्ठ कला कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, लोक नृत्य कलाकार। ठीक है, तो चेंद्रू मंडावी को हम जानते हैं वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। ठीक है, देख लेना भाई, पिक्चर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पिक्चर को आप देख लेना, है ना, एक अच्छा पिक्चर बना हुआ है इनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अगला, निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भूलन कांदा, अ डॉग एंड इज मैन, भूलन द मेज, सुपर हीरो भैंसा। जल्दी बताएं किसको मिला है, लगा लिया आंसर आपने? तो आंसर तो आपको पता है क्या, भूलन द मेज को क्या हुआ है? 67वें फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 67वें फिल्म फेस्टिवल में क्या किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, आज का यह वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं आपसे अगले मंडे को। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।